गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर गहरे नाले में गिरा टिप्पर, सवारी लापता। मंदिर में चल रहा था सामाजिक कार्यक्रम, पुलिस ने मौके पर पहुंच वसूला जुर्माना। टुल्लू पंप बंद करवाने पर जल शक्ति विभाग के कर्मचारी के साथ की हाथापाई। कई दिनों के बाद खुली हार्डवेयर की दुकानों पर लोगों की भीड़, जमकर कर रहे खरीदारी, पर सोशल डिस्टेंसिंग भूले। संकट के इस समय में समाज सेवी आ रहे आगे, अस्पतालों को दिए ऑक्सीजन सिलेंडर। और अब समाचार विस्तार से। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार सवेरे हाईवा टिप्पर के गहरे नाले में गिरने से इसमें सवार लोग पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। टिप्पर में सवार लोगों की सही संख्या का पता नहीं चल पाया है। पुलिस व स्थानीय लोग नाले में बहे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। उधर डीएसपी सलोनी शेर सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस नाले में बहे लोगों की तलाश कर रही है। फिलहाल टिप्पर में दो लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। स्वारघाट के खुरानी गांव के लखदाता पीर मंदिर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बिना परमिशन के 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5,000 जुर्माना वसूल किया है। गुरुवार को एसएम स्वारघाट सुभाष गौतम अपनी टीम के साथ कोविड 19 को लेकर पेट्रोलिंग पर थे, तो NH-205 चंडीगढ़ मनाली से सटे गांव खुरानी के लखदाता पीर मंदिर में लोगों की भीड़ देखी गई। एसएम सुभाष गौतम ने जब मौके पर छानबीन की तो पाया कि मंदिर में कोई सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद उल्लंघनकर्ताओं को 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया तथा मौके पर उपस्थित समस्त लोगों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सभी लोग कोविड 19 नियमों का पालन करें। पालना सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर जो है हम फील्ड का राउंड लेते रहते हैं। ऐसे ही कल टाली जगह थाना और तनबॉल के एरिया में जो है राउंड लिया था, तो काफ़ी हद तक लोग जो है जो हम कर्फ्यू के नियम है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उसकी काफ़ी हद तक अनुपालना हो रही है। कुछ जगह वायलेशंस भी देखी गई है, जैसे आज खुरानी में जो है एक टेम्पल है, वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनना जो है ये वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी। जो इवेंट थी उसकी परमिशन भी नहीं ली गई थी प्रशासन से, ना ही उसकी कोई जानकारी दी गई थी। तो इसी उसमें SHO स्वारघाट को जो है इस घटना की जानकारी देते हुए आज मैंने निर्देश दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और भविष्य में भी कोई इस तरह की जो है वायलेशन देखी जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें FIRs भी लॉन्च करनी पड़ेगी, तो FIRs भी लॉन्च की जाएंगी। तो मीडिया के माध्यम से ही मैं लोगों से गुजारिश भी करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि ये जो सरकार के निर्देश हैं ये सब आपकी सेफ्टी के लिए हैं, आपकी भलाई के लिए हैं, इनके अनुपालना करें। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी को टुल्लू पंप को बंद करवाना महंगा पड़ गया। यहां घर के सदस्यों ने पहले उन्हें पीटा, फिर बाद में उसी पर कई मनगढ़ंत आरोप जड़ दिए। बता दें कि जल शक्ति विभाग मुबारकपुर के तहत घबेड़ बेहड़ के कुछ घरों में पानी ना आने से ग्रामीण लगातार विभाग के पास शिकायत कर रहे थे। शिकायत के मद्देनजर गुरुवार को विभाग का कर्मचारी मौके पर गया तो एक घर में मुख्य पाइप से टुल्लू पंप लगा हुआ था। कर्मचारी ने उन्हें टुल्लू पंप बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने कर्मचारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी, और देखते ही देखते घर के चार सदस्यों ने कर्मचारी को पीटने का क्रम शुरू कर दिया। घटना के बाद इन्हीं लोगों ने अपना दोष छुपाने के लिए उल्टा कर्मचारी पर छेड़खानी के आरोप लगाकर उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य लोग उक्त आरोपों को मनगढ़ंत बता रहे हैं। इसी बीच पीड़ित कर्मचारी ने उक्त घटना की जानकारी स्थानीय पंचायत प्रधान व अपने उच्चाधिकारियों को दी है। उधर अपने कर्मचारी के साथ उक्त घिनौनी हरकत के बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने भी कड़ा संज्ञान लेकर दोषी के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई की मांग उठाई है। विभाग के अधिशासी अभियंता होशियार सिंह ने उक्त घटना को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अम्ब से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
शुक्रवार को मंडी शहर में काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं कई दिनों के बाद खुली हार्डवेयर की दुकानों में भी काफी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। कई जगहों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि पुलिस प्रशासन और सहभागिता टीम द्वारा लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सहभागिता टीम के वॉलंटियर विवेक ने बताया कि प्रशासन का सहयोग करने के लिए सहभागिता टीम के 30 वॉलंटियर शहर में जगह जगह तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आ रहा है कि लोग दुकानों के बाहर लगाए गए गोलों पर ना खड़े होकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और ना ही सही ढंग से मास्क पहन रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक, वल्लभ ग्रोवर एंडेंजर मंडी और सहभागिता हमारी और आपकी का स्वयं सेवी विवेक आज अपनी सेवाएं यहां मंडी शेरी बाजार में दे रहे हैं। हम आज लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं और साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी कह रहे हैं। यहां पर जो है जो गोले लगाए उसमें खड़ने के लिए कह रहे हैं। देखा जा रहा है यहाँ पर कुछ लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और साथ ही मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। हम उन लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि वो गोले में खड़े और साथ ही मास्क को भी लगाएं, मास्क को जो है सही तरीके से लगाएं ताकि यह महामारी से बचा जा सके। परवाणु के व्यवसायी व गणपति मेगा स्टोर के मालिक तरुण गर्ग और हरीश ब्रदर्स के मालिक सचिन गोयल ने परवाणु शहर के मरीज जो आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको 60 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर फ्लो मीटर सहित ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर बीडी नेगी को उपलब्ध करवाए। उक्त व्यवसायी पहले भी एक सिलेंडर अस्पताल को उपलब्ध करवा चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को अवगत करवाया कि किसी को यदि ऑक्सीमीटर, फेस मास्क, स्ट्रीमर मेडिसिन की किसी को आवश्यकता हो तो निःशुल्क उनकी सेवाएँ ले सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक सिलेंडर कुछ दिन पहले दिए थे विद रेगुलेटर 60 लीटर जो कैपेसिटी वाला सिलेंडर। तो जब टाइम से इनका है ना हमारे को सहयोग रहता है कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, हर तरीके से इनको इनकी तरफ से हमारी को मदद रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो है हमारी जो अपना योगदान आगे से देते रहें, बल्कि उन्होंने एश्योरेंस दी है हमारे को कि कोविड से कंसर्न किसी भी तरह की जो भी ट्रीटमेंट जो है इवन पल्स ऑक्सीमीटर किसी किसी को जरूरत है तब भी उन्होंने ये कहा कि उनके अपने जो है ना फॉर्म पे जाके वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनका इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती इस जो है टाइम जो संकट की घड़ी में। तो मैं एक बार फिर से गणपति स्टोर और हरी ब्रदर्स जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सब मीडिया पर्सन का भी बहुत बहुत।